राजकारणात परमार्थ मूल्य विचार आणि सिद्धांतांची जपणूक करणाऱ्या भाजपला साथ द्यास आवाहन उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मावळवासियांना केलंय. मावळ विधानसभेचे भाजपा शिवसेना रिपाई महायुतीचे उमेदवार बाळा भेगडे यांच्या प्रचाराकरता लोणावळा शहरात आयोजित सभेत योगी आदित्यनाथ यांनी मावळवासियांना मार्गदर्शन करताना स्वार्थी राजकारणांवर टीका केली आहे. योगी म्हणाले, राजकारण हे स्वार्थाचे नसावं तर ते परमार्थ आदर्श मूल्यांवर आधारित असावं. सत्ता राष्ट्राला समर्पित असल्यास विकास कसा होतो हे मागील 5 वर्षात देशाने पाहिले. मागील 17 वर्ष देशाचे विभाजन करणारे काँग्रेस पक्षाने लादलेले कलम 370 मोदी सरकारने रद्द करत देशाला एक भारत श्रेष्ठ भारत बनवले आहे. और नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री बनते हैं. मोदी जी ने चुनाव के दौरान जो कहा वो करके दिखाया. भाइयों बहनों, सबसे बड़ा कार्य पिछले 4 महीने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया वह सबसे पहला कार्य था कि 1952 में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया था तो 1952 में उस संविधान में बाबा साहब की असहमति के बावजूद कांग्रेस के नेतृत्व ने एक आर्टिकल 370 डाल दी थी. आर्टिकल 370 का भारी विरोध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था और तब उन्होंने कहा था कि ये आर्टिकल कश्मीर को आतंकवाद की शरणगाह बना देगी. और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात अक्सर सौ सिद्ध हुई. कश्मीर जो कभी भारत का स्वर्ग था, पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों ने उसे नरक बना करके निर्दोष नागरिकों की हत्या करना, जवानों पर हमला करना, एक खूनी खेल खेलना प्रारंभ किया. न केवल जम्मू कश्मीर का विकास बाधित हुआ, अभी तो देश के संविधान में दो दो व्यवस्थाएं कर दी गई और इसके खिलाफ तत्कालीन जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी आवाज उठाई थी कि एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चल सकते.